दोस्तों आज मैं आप लोगों को ताजमहल के विषय में बहुत ही रोमांचक बातें बताने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि आखिर ताजमहल को विश्व के सात आश्चर्यों में क्यों गिना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस भव्य इमारत को बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने 22 साल तक काम किया और ये प्यार की निशानी के तौर पर बनाई गई है। इस इमारत में संगमरमर में घुमावदार अक्षर और फूल बहुत ही बारीक से तराशे गए हैं और इसका गुंबद एक अनोखे तरीके से तैयार किया गया है और इसकी नींव ऐसी लकड़ी से बना है जिसकी मजबूती नदी के पानी से बढ़ती है और यह भव्य इमारत यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है जिससे इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। और ताजमहल दिन के प्रत्येक पहर में अपने रंग बदलता रहता है और शाम को चांदनी रात में दूध की तरह सफेद हो जाता है जिससे इसकी भव्यता और बढ़ जाती है। और ताजमहल के चारों मीनार अपने आप में एक रहस्य है क्योंकि ये मीनार की तरफ नहीं बल्कि आपस की ओर झुके हुए हैं, क्योंकि अगर कभी भी भूकंप या कोई वैसी आपदा आए तो ये आपस में गिरे और इमारत पर कोई असर न पड़े। और ताजमहल की वास्तु शैली फारसी तुर्की भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा मिश्रण है। ताजमहल के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है और जिसमें हजारों कमरे हैं, क्योंकि पहले के राजा महाराजा जो भी महल बनवाते थे उसमें खुफिया कमरे और गुफाएं अवश्य बनवाते थे जिसका उपयोग विशेष परिस्थिति में किया जा सके। ताजमहल एक ऐसी इमारत है जिसे पूरे विश्व में सबसे अधिक पसंद किया जाता है।